बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। इफ लाइन पी पी स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, एन पी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस वन वाई, आगे प्लस 29 भी है, आर परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन, फाइंड पी, पी की वैल्यू पूछ रहे। तो डेयर 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 बात हो रही है परपेंडिकुलर, एक बड़ी अच्छी ट्रिक है जिसके तहत परपेंडिकुलर में a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के। अब a1 क्या होगा, पहले वाले x का क्वेश्चन यानी p इंटू बी स्क्वायर प्लस वन, b1 क्या होगा, पहले वाले y का क्वेश्चन यानी कि माइनस वन, और a2 क्या हो जाएगा, बाद वाले x का क्वेश्चन यानी बी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और b2 क्या हो जाएगा, बाद वाले y का क्वेश्चन y स्क्वायर प्लस वन। तो डेयर ये कहानी हो जाएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, हम पुट कर देंगे और हाँ इन दी एंड p की वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से माइनस वन आनी चाहिए, बहरहाल चेक कर लीजिएगा।